यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के 5 बेहतरीन शेयर के बारे में। देखिए, इसमें हमने ब्लू चिप स्टॉक जो विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, इसके बारे में हर कोई जानता है कि ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है और लॉन्ग टर्म के लिए आप आसानी से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में निश्चित रूप से ये स्टॉक आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। लेकिन अगर आप उससे कई गुना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना होगा। स्मॉल कैप मिड कैप में होता है कि पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है, आगे अगर वो कंपनी आगे चल करके ब्लू चिप बनती है तो एक बहुत बड़ा रिटर्न क्रिएट करके देगा, साथ ही साथ उसमें रिस्क फैक्टर भी काफी ज्यादा होते हैं। ऐसे ही मिड साइज कंपनी और स्मॉल कैप कंपनियां जो 5 बेहतरीन शेयर हैं आईटी सेक्टर से, उसको मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। आगे चलकर के इस स्टॉक्स के बारे में डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप इसके कंप्लीट एनालिसिस, जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस है, उसको जान सकते हैं। ये सबसे पहला स्टॉक जो है नंबर 1 पे, वो है टाटा एल्क्सी लिमिटेड। मार्केट कैप 29,000 करोड़ का है। ऐसे तो ये एक लार्ज कैप कंपनियां है, लेकिन अभी जो कंपनियों के साइज है इस सेक्टर में खास करके, उसके अनुसार ये एक मिड साइज कंपनी है। तो मिड कैप कंपनी है, काफ़ी बेहतरीन है। करंट प्राइस 4,715 रुपीज़ के आसपास का है। डिविडेंड 0.51% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 40%, रिटर्न ऑन इक्विटी 29.9%। देखिए, हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। प्रमोटर्स होल्डिंग 44.5%, कोई शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी 0.05, तो डेट इक्विटी भी काफ़ी कम है, मात्र 73 करोड़ का डेट है, जबकि रिजर्व कंपनी के पास 1,290 करोड़ का है, तो काफी ज्यादा रिजर्व है। और नेट प्रॉफिट भी काफी ज्यादा है, 413 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके ये स्टॉक आपको देगा। अगर बात करें टेक्निकल चार्ट का, तो देखिए चार्ट काफ़ी बेहतरीन है। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, देखिए लॉन्ग टर्म में तो चार्ट काफ़ी बेहतरीन है, शॉर्ट टर्म में यहाँ बात करें तो इसका जो सपोर्ट रीजन है 4,109 का है, और जो इसका यहाँ पर ब्रेकआउट है वो ज़बरदस्त हुआ है। तो अगर अभी ये यहाँ पर रिटेस्ट भी आज ब्रेकआउट को कर चुका है, तो यहाँ पर चाहे तो आप एंट्री ले सकते हैं। एंट्री का अभी ज़बरदस्त मौका है, क्योंकि यहाँ स्टॉक अगर ऊपर निकलता है तो 5,000 तक ये आसानी से जा सकता है। 5,000 के ऊपर सस्टेन किया तो लॉन्ग टर्म में निश्चित रूप से ये बेहतरीन रिटर्न देगा, 5,000 के ऊपर अगर निकलता है तो। लेकिन ये भी याद रहे, जो मिड साइज ये कंपनियां हैं काफी वोलेटाइल है, अगर मार्केट में गिरावट होती है या कंपनी का टेम्पररी बेसिस कोई भी मतलब डील कैंसिल होता है या प्रॉफिट या रेवेन्यू में डिक्लाइन होता है, तो यहाँ से एक जबरदस्त गिरावट भी देखने मिलेगा, क्योंकि स्टॉक काफ़ी रन कर चुका है। अगर ये आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखेंगे तो देखिए चार्ट पे स्टॉक काफ़ी रन कर चुका है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो कोई भी रेवेन्यू प्रॉफिट या डील कैंसिल होता है तो एक बड़ा गिरावट भी आपको स्टॉक दिखा सकता है। तो इसलिए आपको हम जो लेवल्स होते हैं वो बताते हैं कि एंट्री का लेवल क्या होना चाहिए। या तो यहाँ पर आप 4,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके एंट्री ले सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर ब्रेकआउट जैसा हो चुका है तो यहाँ पर आप एंट्री अभी ले लीजिए और बने रहिए स्टॉक में, जब तक रैली करता है तो बने रहना है इसमें। दूसरा स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है। मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है और करेंट प्राइस की बात करें 1,409 रुपीज़ का है, और डिविडेंड की बात करें 0.21% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 34.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी 39.4, तो काफ़ी बेहतरीन है ये दोनों पैरामीटर्स। प्रमोटर्स होल्डिंग 53.2% का है, कोई भी शेयर प्लीज नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.35 का है, मतलब कंपनी के ऊपर मात्र 193 करोड़ का डेट है, जबकि कंपनी के पास रिजर्व 518 करोड़ का है, तो कंपनी आसानी से अपना डेट पे कर सकती है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें 148 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, हर पैरामीटर्स पे यह भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। और शॉर्ट टर्म में चार्ट पे लेवल्स की बात करें, देखिए लॉन्ग टर्म में कंपनी में एक बड़ी गिरावट भी हो सकती है, कंपनी का कभी कोई डील कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आईटी कंपनी बहुत सारे डील कैंसिल होते हैं और बड़े बड़े डील आते भी रहते हैं, और रेवेन्यू प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ तो एक बड़ी गिरावट भी हो सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म के यहाँ जो अभी एंट्री का लेवल है उसके अनुसार बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म में हो सकता है ये स्टॉक नीचे आए फिर ऊपर जाए। अभी देखिए इसका जो सपोर्ट लेवल है शॉर्ट टर्म का, वो है 1,297, मतलब 1,300 के आसपास का रीजन इसका सपोर्ट रीजन है, और रेसिस्टेंस रीजन है 1,577 का। तो इस लेवल में जब तक है तो ये साइडवेज है, नीचे आता है तो बेयरिश हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये स्टॉक बुलिश हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा स्टॉक है वो है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। मार्केट कैप की बात करें 11,900 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस 429 रुपीज़ के आसपास का है। डिविडेंड की बात करें
एक 2% का डिविडेंड यील्ड है और बात करें रिटर्न कैपिटल इंप्लाइड 21.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.8%, ये भी स्टॉक काफी बेहतरीन है। और बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग, देखिए 40.7% है और कोई भी शेयर प्लेस भी नहीं है, तो 40% से अबव हम प्रमोटर्स होल्डिंग को कंसीडर करते हैं तो 40% इसका भी है। डेट इक्विटी 0.06 है, काफ़ी कम डेट है कंपनी के ऊपर। डेट 128 करोड़ का है जबकि रिजर्व 2124 करोड़ का रिजर्व है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। वहीं नेट एनुअल प्रॉफिट कंपनी का जो है 378 करोड़ का, तो अच्छा खासा कंपनी का नेट एनुअल प्रॉफिट है। वहीं टेक्निकल चार्ट पे बात करें तो इसका जो शॉर्ट टर्म में जो चार्ट है, देखिए लॉन्ग टर्म में कंपनी में एक बड़ी गिरावट हो सकती है, जैसा कि पहले भी बात हम कर चुके हैं, तो 380 रुपीज इसका सपोर्ट रीजन है और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस रीजन है वो है 440 रुपीज। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, रेसिस्टेंस को ब्रेक ऊपर निकालता है तो एंट्री कीजिए, या स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट आती है तो उस गिरावट पर जैसे ये सपोर्ट अपना लेता है, सपोर्ट बनाता है या राउंडिंग बॉटम पैटर्न कभी फॉर्म करता है तो वहाँ पे एंट्री लीजिए। देखिए यहाँ पर भी इस तरह से ये राउंडिंग बॉटम फॉर्म किया, फिर यहाँ से कप हैंडल भी इसको समझ सकते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। फिर चौथा जो स्टॉक है वो है कैपिट टेक्नोलॉजी, इसका मार्केट कैप 9700 करोड़ का है, करेंट प्राइस 357 करोड़ का है, डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.42% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 14%, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6%, प्रमोटर्स होल्डिंग 40.2%, इसका भी प्रमोटर्स होल्डिंग 40% के आसपास ही है, प्लीज शेयर 1.44%, तो ये निग्लेजेबल प्लीज परसेंटेज है, ज़्यादा हो 10% से ज़्यादा हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये तो काफ़ी कम है। डेट टू इक्विटी 0.19 का है, काफ़ी कम डेट है, मात्र 230 करोड़ का डेट, जबकि रिजर्व कंपनी के पास 938 करोड़ का, तो आसानी से कंपनी अपना डेट पे कर सकती है। नेट प्रॉफिट 182 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया था, लेकिन यहाँ पर एक हैवी रेसिस्टेंस फेस किया है, जैसा कि ये कैंडल हमें दिखा रहा है, ये कैंडल जो है लॉन्ग रिजेक्शन लिया है, तो जब तक इस लेवल को ये ऊपर निकल के सस्टेन नहीं हो जाता है 385 के ऊपर, तब तक हम इसमें मतलब ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं ले सकते, तो हमें वेट करना है। अगर ये स्टॉक फिर से यहाँ पर गिरावट दिखाता है और यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेता है, या तो ये 300 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट ले, तो फिर हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। देखिए सबसे बेटर होता है इन्वेस्टमेंट में कि जब स्टॉक गिरावट हो करके बॉटम अपना फिनिश करता है, जब राउंडिंग बॉटम पैटर्न फिनिश कर रहा हो, उस समय जब हम एंट्री लेते हैं तो काफ़ी बेहतरीन होता है और हमें अच्छा खासा वहाँ से रिटर्न भी मिलता है और स्टॉक हमें काफ़ी सस्ते प्राइस पे भी मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न या तो यहाँ पर कोई सपोर्ट लेता है तो वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। अगला है मैस्टेक लिमिटेड, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, मार्केट के मात्र 6300 करोड़ का, करेंट प्राइस 2499 रुपीज का है, डिविडेंड यील्ड 0.22% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 31.2%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25.4%, प्रमोटर्स होल्डिंग 44.2%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट टू इक्विटी की बात करें 0.28 का डेट टू इक्विटी है, तो काफ़ी कम डेट है कंपनी के ऊपर, मात्र 241 करोड़ का डेट है। वहीं कंपनी के पास रिजर्व की बात करें 846 करोड़ का रिजर्व है, तो अच्छा खासा रिजर्व है कंपनी के पास और आसानी से अपना डेट पे कर सकती है। नेट प्रॉफिट की बात करें 238 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है कंपनी का, तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। और बात करें यहाँ पर टेक्निकल चार्ट का, तो टेक्निकल चार्ट पे भी ये स्टॉक काफ़ी सॉलिड दिख रहा है। अगर बात करें इसके सपोर्ट का, 2225 रुपीज़ का सपोर्ट है इसका और रेसिस्टेंस 2883 रुपीज़ का ये रेसिस्टेंस है, तो जब तक स्टॉक इस रीजन में है तब तक ये हम इसको साइडवेज कहेंगे, जैसे ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम इसमें बुलिश हो जाएंगे और अगर यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो बेरिश होंगे। तो और जिस तरह से ये स्टॉक अभी चार्ट फॉर्म कर रहा है, इस अनुसार से लग रहा है ये स्टॉक यहाँ पर फिर से यहाँ पर अपने रेसिस्टेंस के आसपास तक जा सकता है, तो कोई भी गिरावट में आप इसमें यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर होगा जब भी स्टॉक गिरावट मिले तब इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी रिस्की है, क्योंकि स्मॉल कैप है तो वॉलिटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा, मतलब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे जाता है वो आपको देखने मिलेगा जब चार्ट देखेंगे। देखिए स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रन किया है, मतलब जिन्होंने भी 2020 की गिरावट में इन्वेस्ट किया होगा तो काफ़ी बेहतरीन उनको लगभग 20 टाइम्स का रिटर्न दिया है मात्र 1 से 1.5 ईयर्स में। तो ये 5 स्टॉक है जो कि काफ़ी बेहतरीन है और आगे हम इन 5 स्टॉक्स पे एकदम लॉन्ग वीडियो लाएंगे जिसमें आपको डिटेल में कंपनी के बिजनेस को समझाएंगे, कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्यों हम इसको एक बेहतरीन मल्टी बैगर स्टॉक मानते हैं। ये 5 स्टॉक आने वाले समय में निश्चित रूप से एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा अपने इन्वेस्टर को। इस 5 स्टॉक में जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगा हो आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें हर गिरावट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और
शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।